दोस्तों हमारी नागिन ने अंडा दे दिया है और अभी हमारा जो रॉकेट है वो भी बहुत खुश है क्योंकि इसकी पत्नी ने अंडा दे दिया है और बहुत जल्द ये पिता बनेगा। जैसे ही हमारी नागिन कुड़क होगी हम इसको अंडों पे बिठाएंगे। दोस्तों लगता है आज तो काफ़ी अंडे आएंगे क्योंकि मुर्गियों ने केज के बाहर काफ़ी ज़्यादा राशि डाला हुआ है और देखें अभी अंदर जा रही हैं और हमारा राजू जो है वो निगरानी के लिए खड़ा हुआ है ताकि जो अंडा जो और मुर्गी है वो अंदर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मेरी मुर्गियां जो हैं दो यार बीमार हो गई हैं, तो ये रानीखेत जो बीमारी आई हुई है तो अभी डर ही है कि बाकी मुर्गियों में भी ये वायरस ना फैल जाए। तो अभी जो है मैं इनके लिए कैप्सूल वगैरह इनको ला के दिए हैं और रानीखेत मेडिसिन भी दी है, तो अभी आप दुआ कीजिएगा कि ये सारी तंदुरुस्त रहें। यार ये एक मुर्गी है हमारी और दूसरी है वो जो है लाली है। तो लाली और ये जो हमारी कालो है ये दोनों जो है ये रानीखेत बीमारी का शिकार है इस वक्त। ये देख रहे हैं ना आप, आंखें इसने बंद की हुई हैं इस वक्त। तो ये जो रानीखेत बीमारी होती है ये गले पे अटैक करती है, एक तो सांस में मसला होता है और दूसरा जो है ये जो है इनकी आँखों में भी शदीद दर्द होता है और ये देख नहीं पाती। तो आजकल ये वायरस आया हुआ है मुर्गियों में, तो अभी इसको मेडिसिन दे दी है मैंने, तो कैप्सूल वगैरह भी दे दी है और अभी एक और मेडिसिन है वो भी अभी ले के आऊँगा इनके लिए। दूसरा दोस्तों हमारी जो सील मुर्गी है उसने अंडा दे दिया है, अभी वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं उस दिन कह रहा था पिछली वीडियो में कि मुझे शक है कि ये ज़रूर अंडा देगी क्योंकि ये घूम रही थी, कभी उस तरफ जाती थी कभी उस तरफ जाती थी। तो अभी हम इसके अंडों को जमा करना शुरू कर देंगे और जैसे ही इकट्ठे होंगे तो हम इसको अंडों पर बिठाएँगे। अभी बाकी मुर्गियां जो हैं हमारी वो भी जा रही हैं केज के अंदर, तो राजू हमारा जो है वो निगरानी करता है ताकि कोई और मुर्गी या मुर्गा जो आके इनको तंग ना करे। दोस्तों ये वाली जो हमारी मुर्गियां ये बीमारी से गुज़र चुकी हैं क्योंकि इनको हमारे पास 2 साल हो गए हैं। अभी जो नई ले के आए थे हम वो जो हैं वो बीमारी का शिकार हुई हैं, तो अभी ये 2 हैं तो अभी दुआ है कि ये जल्द जल्द ठीक हो जाएँ। दोस्तों चिंटू के काम देखें ये क्या कर रहा है। अभी चिंटू ने खाना खा लिया है तो अभी ये देख रहा है किसी चीज़ की तरफ, गौर कर रहा है, लगता है कोई शिकार वगैरह है मेरे ख्याल से, तो चींटी वगैरह है उसको देख रहा है घूर घूर के। तो अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है। हाँ चींटी है, चींटी को देख रहा है। दोस्तों जिस दिन से इनको मैंने यहाँ पर बंद किया सोनी और महीवाल को, बाकी सारे पिजन बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन पर जो ख़तरा है वो टल चुका है। लेकिन मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा है इस बात का कि मैंने इनको उनसे अलहदा किया क्योंकि ये भी वहाँ पर इकट्ठे रहते थे, अब इनको यहाँ पे अलहदा रहना पड़ता है। और ये देखें ये दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो ये जब वहाँ पे थे तो तब तो इकट्ठे थे तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने झगड़ा किया उनके साथ बहुत ज़्यादा, इस वजह से मजबूरी के तौर पर इनको यहाँ पर रखना पड़ा। तो अभी ये केज का दरवाज़ा मैंने खोल दिया, ये थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएँ मौज मस्ती कर लें। दोस्तों हमारा सी रॉकेट और नागिन जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अभी ये 7 सालों की छत पे चले गए थे इस तरफ, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा दाना दिया और लालच दिया तो ये फिर फौरन वापस आ गए। तो नागिन हमारी ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, अब जैसे ही ये कुरक होगी अंडे ज़्यादा देगी, जब इसके 8-10 अंडे हो जाएंगे फिर हम इसको अंडों पर बिठा देंगे। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो हीर रांझा की जोड़ी है और जो लैला मजनू की जोड़ी है वो क्या कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे लैला मजनू और हीर रांझा और गोरी कबूतरी और लूसी कबूतर। हीर जो है अभी अपने अंडे पे बैठी हुई है और दूसरा गोरी कबूतरी भी अपने अंडे पे बैठी हुई है। देखें ये कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी देखें इस कबूतरी के काम लैला मजनू वाली के, उसको अंडे से हटा दिया है और ख़ुद अंडे पर बैठने लगी है। अभी इसका अंडा ये है नहीं और ये बारी बारी से बैठती हैं, तो अभी इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों सील मुर्गी का अंडा उठा लेते हैं, ये ना हो गया हमारी चोर मुर्गी जो है लाली जो है वो आके अंडे को खा जाए। तो इसको अभी जाके नीचे रख देंगे, तो इकट्ठा करेंगे, जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारी मुर्गी जो है वो इनके ऊपर बैठेगी। दोस्तों हमारा हीरा और सिम्बा जो है आज ये तूड़ी दाना ही खा रहे हैं क्योंकि लूसन मैं नहीं ला सका, तो अभी थोड़ी देर बाद जाएँगे और थोड़ा सा इनके लिए लूसन ले आएँगे। दोस्तों अभी ये देखें मुर्गियाँ फिर अंदर घुस गई हैं, पहले ये सोनी महीवाल के केज के अंदर गई थी और अभी यहाँ पे आ गई हैं। असल में यहाँ पे बाजरा वगैरह होता है और इनको बाजरा खाने का बहुत शौक़ है, तो इनको मैं थोड़ा बहुत डालता रहता हूँ क्योंकि इनके लिए बाकी डिशेज़ होती हैं और उनके लिए सिर्फ बाजरा ही होता है।
दोस्तों दुआ कीजिएगा कि मेरी मुर्गियां जो हैं ये वायरस से बच जाएं, क्योंकि वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, ताकि मैंने इसका इंतजाम पहले कर दिया था। मैंने पहले से ही ये रानीखेत मेडिसिन जो है मुर्गियों को दे दी थी, लेकिन फिर भी दो मुर्गियों को वायरस ने छू लिया है। तो अभी दुआ कीजिएगा कि मेरी मुर्गियाँ वायरस से बच जाएँ, और आप भी ज़रूर रानीखेत जो मेडिसिन है आप अपनी मुर्गियों को ला कर दे दें, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से वायरस फैलता है और ये गले को पकड़ता है, और इसके बाद फिर मुर्गी के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।